हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वायरल बंदा शॉर्ट्स एपिसोड 1। तो गाइस ये है हमारी नई सीरीज़ वायरल बंदा शॉर्ट्स, जिसके अंदर मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस में आपको बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड्रॉयड के बारे में। तो अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो, इफ़ यू आर एन एंड्रॉयड यूज़र, तो आपके लिए ये जो शॉर्ट्स है वो बहुत काम के हो सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस आज के शॉर्ट्स का जो टॉपिक है वो है गूगल कीबोर्ड। तो मैं आपको गूगल कीबोर्ड के बारे में कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने गूगल कीबोर्ड के टाइपिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हो। तो हम में से काफ़ी लोग जो है गूगल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, और जो नहीं करते वो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली शिफ्ट होना चाहेंगे। तो यार सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं गूगल कीबोर्ड के सेटिंग्स के अंदर मैं जाता हूँ प्रेफरेंस के अंदर। अगर गाइस आप एक इमोजी यूज़र हो, आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली इमोजी यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, शो इमोजी स्विच की, शो इमोजी इन सिंबल कीबोर्ड। इन दोनों को आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद कहीं नीचे और दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, इमोजी ब्राउजिंग सजेशन और इमोजी फास्ट एक्सेस बार। तो यहाँ से कहीं अगर आप इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इमोजी यूज़ करने में। वो कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। और कहीं यहाँ पर क्या क्या आपको इनेबल कर लेना है, यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस फॉर सिम्बल्स इनेबल कर लेना है, जिससे आपके जो सिम्बल्स होते हैं आपको अलग से सिम्बल वाला बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आपकी जो कीज़ है उनके अंदर ही एक और सिम्बल का ऑप्शन आ जाएगा, लॉन्ग होल्ड करके आप उसको यूज़ कर पाओगे। और एक और चीज़ जो आपको कर लेना है वो ये है कि आपको जाना है टेक्स्ट करेक्शन में, और टेक्स्ट करेक्शन से आपको ऑटो करेक्शन बंद कर लेना है, वरना आप कुछ भी टाइप करोगे और कुछ और टाइप हो जाता है, फिर आपको बहुत दिक्कत होती है। चलो यहाँ पर हम चलते हैं टेक्स्ट फील्ड पे। अब हम बात करते हैं गाइस जो मेन ट्रिक्स है गूगल कीबोर्ड की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है। तो गाइस सबसे पहले तो आप देख रहे हो गूगल कीबोर्ड में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर ग्रेडियंट थीम अप्लाइड है, पर्पल पिंक। तो ये थीम वगैरह तो आप चेंज कर ही सकते हो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इस टाइपिंग एक्सपीरियंस की, आप टाइपिंग एक्सपीरियंस को कैसे बेहतरीन बना सकते हो। तो यार देखो सबसे पहले है इसकी आप अपनी टाइपिंग की जो स्पीड है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे आप बड़े बड़े सेंटेंस को बहुत जल्दी टाइप कर सकते हो। तो गाइस एक होता है टाइप करना कुछ इस तरीके से कि हम टाइप करते हैं टाइप फास्ट, तो टाइप फास्ट करने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। और गाइस अगर मैं इसी टाइपिंग को स्विच कर देता हूँ स्वाइप टू टाइप पर, अगर मैं स्वाइप करके टाइप करना चाहता हूँ जैसे कि टाइप फास्ट, तो आप देख सकते हैं गाइस वो जो स्पीड है वो काफ़ी मतलब 2x हो गई है, और आपका जो टाइम है वो दो गुना ज़्यादा बच गया है। तो आप इस तरीके से आपकी टाइपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कितना एक्यूरेटली आप स्वाइप करके टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लूँगा जैसे कि भाई ग्राफिक्स वाज हाई, यहाँ पर एक टेक्स्ट हम ले लेते हैं, तो देखते हैं कि ये मैं टाइप कर पाता हूँ कितने जल्दी। तो ग्राफिक्स वाज हाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मैंने सेंटेंस लिख दिया होगा, ठीक है। अब गाइस दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको सेंटेंस यानी एक एक वर्ड डिलीट करना है तो आप कैसे करते हो। आपको ऐसे हाई करके डिलीट करना होता है, ग्राफिक अगर आपने लिख रखा है तो आपको ऐसे करके डिलीट करना होता है, या फिर आपने कुछ भी लिखा होता है बड़ा सा तो आपको ऐसे लॉन्ग होल्ड करके ऐसे डिलीट करना पड़ता है। पर गाइस अगर आपने ऐसे स्पेस दे दे के काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे हैं और आपको एक साथ काफ़ी सारे वर्ड्स डिलीट करने हैं तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना होगा गाइस इसके लिए, आपका जो डिलीट बटन है इससे स्वाइप लेफ्ट करना है। तो आप अगर स्वाइप लेफ्ट करोगे ना तो आपका जो टेक्स्ट यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है। और जैसे टेक्स्ट हाईलाइट होता है, जितना टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना है हाईलाइट करने के बाद आपको छोड़ देना है, तो आपका पूरा टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और वो डिलीटेड टेक्स्ट जो है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे टॉप पर जो सजेशन बार है वहाँ पर भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये एक ट्रिक है गाइस, आप काफ़ी सारे वर्ड्स एक साथ डिलीट कर सकते हो सिर्फ ऐसे स्वाइप करके, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब गाइस दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको जो सिंबल्स है ये सिंबल्स टाइप करने हैं, जैसे कि जी के पीछे एन का सिंबल है, अगर मैं इसे लॉन्ग होल्ड करता हूँ तब ये एन जाकर आता है, पर अगर आपको जल्दी से करना है तो आपको क्या करना है, आपकी जो 1 2 3 नंबर की है गाइस इससे आपको स्वाइप करके जी पर छोड़ देना है ऐसे, तो आपका जो है एन टाइप हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स है गाइस जो आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा स्वाइप करने के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं गूगल कीबोर्ड पर। ये भी हो गई गाइस एक और ट्रिक। अब हम बात करते हैं गाइस, आपने काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख रखा है, बीच में कुछ गलत लिख दिया, ठीक है, अब आपको बीच में डिलीट करने के लिए यहाँ पर जाना होता है, और कभी कभी मतलब एक्यूरेटली क्लिक नहीं होता आप जहाँ पर क्लिक करना चाहते हो, तो थोड़ा सा गुस्सा आता है। अब गाइस समझो कि यहाँ पर रूम है, मुझे बिल्कुल बीच में जाना है, मुझे बीच से एस जे को डिलीट करना है, एस जे को, तो मुझे क्या करना है गाइस, अब मैं कर्सर कंट्रोल करूँगा कैसे, हमारा जो स्पेस बार है उसको यूज़ करके। तो आप स्पेस बार पर लेफ्ट राइट स्वाइप करते हो तो आपका कर्सर कुछ इस तरीके से कंट्रोल होता है। तो मैं नहीं जानता कितने लोग इस चीज़ को पहले से जानते थे, पर अब मैं यहाँ से एस जे को डिलीट कर सकता हूँ गाइस इस तरीके से।
अब कैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इमोजीज की, तो ये है इमोजी बटन। अगर आपको पता नहीं हो तो गूगल कीबोर्ड के अंदर आप इमोजी को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें हैप्पी सर्च करना है तो आप यहाँ पर हैप्पी टाइप करोगे और हैप्पी से रिलेटेड जितने भी इमोजीज है यहाँ पर आ जाएंगी। अब हमें अगर सर्च करना है गाइस यहाँ पर डीमन, तो यहाँ पर हम डीमन सर्च करेंगे और डीमन से रिलेटेड काफ़ी सारे इमोजीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब गाइस मान लो कि आप टाइप कर रहे हो, आपके सारे लेटर्स यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है, सारे ही लेटर स्मॉल है। अगर आपको रैंडमली कोई भी लेटर को कैपिटल में लिखना है तो आप कैपिटल वाला जो बटन है शिफ्ट की, इससे स्वाइप करके उस की पर छोड़ दो, तो आप देख सकते हैं एच कैपिटल हो गया है। मैं पी को कैपिटल करूंगा तो ऐसे हमारा पी भी कैपिटल हो जाता है, तो एच पी कैपिटल हो चुका है। और फिर कैसे हम डिलीट करते हैं ये सारा, सिर्फ ऐसे स्वाइप करके डिलीट कर देना है। और गाइस इन दी एंड यहाँ पर हमारे जो वॉइस बटन है, अगर आप टाइप भी नहीं करना चाह रहे, स्वाइप भी नहीं करना चाह रहे, बहुत ही ज़्यादा लेजी हो मेरी तरह, तो आपको क्या करना है, सिंपली वॉइस बटन पर क्लिक करना है और फिर इसको परमिशन ग्रांट कर देनी है। सब्सक्राइब टू वायरल बंदा एंड प्रेस द बेल आइकन। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा टेक्स्ट बहुत ही जल्दी टाइप हो गया है, तो यार ये जो टेक्स्ट बोल रहा है वही कर दो, सब्सक्राइब करो वायरल बंदा को। तो गूगल कीबोर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आपको बहुत जल्दी टाइप करना है, आप एक फास्ट टाइपर हो, तो गूगल कीबोर्ड इज़ दी बेस्ट एप्लीकेशन टू यूज़। तो आप ये गूगल कीबोर्ड यूज़ करके, ये वाली जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है यूज़ करके, आपकी टाइपिंग को और भी ज़्यादा फास्ट और बेहतर बना सकते हो। और ऐसी ही शॉर्ट वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, ये पहली थी और भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल आपके लिए थी, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और गाइस अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और हाँ यार, वायरल बंदा का ग्रुप ज्वाइन कर लेना।